नमस्कार दोस्तों, किसी भी बिजनेस में यदि आपको सफल होना है तो पांच बातें जो मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूं, इन पांच बातों में आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये पांचों की पांचों बातें आपको कोई बिजनेस नहीं करने देना चाहती, न ही आप किसी भी बिजनेस में सफल होंगे। आप चाहे छोटा बिजनेस कर रहे हो, बड़ा बिजनेस कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या सरकारी नौकरी कर रहे हो, कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो, यदि कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो इन पांच बातों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जब तक ये पांच बातें आपके दिमाग में रहेंगी, आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते, कभी सक्सेस नहीं हो सकते। चाहे किसी भी बिजनेस को करके देख लीजिए आप, वो पांच बातें कौन कौन सी हैं, आइए इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बात है, क्या कहेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप करते हो, दिमाग में एक ही बात रहती है, मैं ये बिजनेस करता हूं, दुनिया क्या कहेगी। देखिए दोस्तों, दुनिया तब भी कहती है जब आप कुछ नहीं करते हो, दुनिया तब भी कहती है जब आप थोड़ा कुछ करते हो, और दुनिया तब भी कहती है जब आप बहुत कुछ करते हो। दुनिया तब नहीं कहती जब आपके घर में खाने को अन्न नहीं होता, दुनिया तब नहीं कहती जब आपके घर में बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, दुनिया तब नहीं कहती जब आपके पेरेंट्स बीमार हों और उनके दवाई के पैसे नहीं मिल रहे हों, दुनिया तब नहीं कहती जब आपके घर के खर्चे नहीं चल रहे हों। तो फिर अब दुनिया कहां से कहने लग गई और क्यों कहने लगी और कौन होती है दुनिया। परिस्थितियां आपके खराब हैं, पैसा आपके पास नहीं है, बिजनेस आपके पास नहीं है, दुनिया से क्या मतलब है। हाँ, दुनिया से मतलब रखिए आप, मगर अच्छी बातों का रखिए। बिजनेस कभी छोटा नहीं होता, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हर बिजनेस अपने आप में एक अहमियत रखता है और हर बिजनेस आपको कमा के देने की ताकत रखता है। चाहे छोटा सा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, हर बिजनेस में वो खूबी है जो आपके परिवार का पालन पोषण कर सकता है। चाहे आप सब्जी की दुकान को ही ले लीजिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब्जी की दुकान करके भी अपने परिवार को पालते रहते हैं और उनको धन्ना सेठ बनते हुए देखा गया है। ये मेरा अनुभव है पर्सनली। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक साइकिल की दुकान खोलकर बैठे थे, साइकिल रिपेयरिंग की दुकान, और आज उन्होंने एटलस साइकिल की एजेंसी ले रखी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल सिलाई का बिजनेस करने के लिए बैठे थे और आज उनका कपड़े का शोरूम है। तो फिर आप क्यों नहीं कर लेते छोटा सा बिजनेस। नौकरियां सबको नहीं मिलती दोस्तों, नौकरियां हर एक को नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं ना कि नौकरियां भाग्य में लिखी होती हैं। भाग्य में कुछ नहीं लिखा हुआ होता, भाग्य में वही लिखा होता है जिसकी आप ट्राई करते हैं, जिस लाइन में आप कोशिश करते हैं वही भाग्य बनाता है आपका। आप जिस लाइन में कोशिश करेंगे, ट्राई एंड ट्राई अगेन वाली कहावत है, पहली बार आप असफल होंगे, दूसरी बार कुछ सफलता मिलेगी, तीसरी बार और ज्यादा सफलता मिलेगी, चौथी पांचवी बार तो आप रनिंग में आ जाएंगे और आपका बिजनेस अच्छे से चलने लग जाएगा। इसलिए दुनिया क्या कहेगी इस बात को मत सोचिए। जो भी बिजनेस आप करते हैं, पूरी तल्लीनता के साथ में कीजिए, उस बिजनेस को छोटा मत समझिए। और एक बात कहूंगा, उस बिजनेस को खुश होकर के कीजिए। जिस बिजनेस में आप खुशी के साथ पूरा दिन आप काम करते हैं, देखिए हर बिजनेस में आपको 8 से 10 घंटे का टाइम देना पड़ता है, और 8 से 10 घंटे का टाइम आप बेखुशी से या बेमन से काम करेंगे तो आप उसमें सफल नहीं होंगे। मगर मन के द्वारा आप काम करेंगे, मन के साथ काम करेंगे, रुचि के साथ में काम करेंगे, इंटरेस्ट के साथ में काम करेंगे, तो वो बिजनेस सफल होगा। दूसरी बात, आपके दिमाग में एक ही बात रहती है कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाता। बहुत से ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर पाते, वास्तव में सही बात है ये मैं मानता हूं, मगर जब आप करेंगे तो ऐसा कोई काम मुश्किल नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपको दिमाग में एक ही बात रखनी है कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। जब आप ये दिमाग में रखेंगे तो आप हर काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे और कर लेंगे। हर बिजनेस ये कहता है, हर काम ये कहता है कि मुझे करो, करने से सब होता है। वो बाबा रामदेव कहते हैं वो बात है कि करने से सब होता है।
तो जब करेंगे तब धीरे धीरे हो जाएगा। और शुरुआत हमेशा थोड़े से होती है। कोई भी बिजनेस आप शुरू करें, आप कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, बिजनेस तो करूं मगर पैसे नहीं है। हाँ, ये आपका अकेले का सवाल नहीं है, मेरा भी जिस दिन मैंने ये बिजनेस किया था, शुरू किया था अपना बिजनेस, उस दिन मेरा भी यही सवाल था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मगर पैसे की व्यवस्था भी हुई और काम भी हुआ और सक्सेस भी हुआ। तो आप भी कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी, बाएं दाएं आजू बाजू बहुत ऐसे फंड्स होते हैं आपके पास जिनमें इंडियन आदमी के पास और पैसे नहीं मिले, ये मैं मान ही नहीं सकता। क्यों? उसका कारण है कि इंडियन आदमी सेविंग करने का आदि होता है, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पैसा कैसे बचाया जाता है, पैसा कैसे बचाया जाता है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, ये सारी बातें तो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। और मारवाड़ी लोगों की तो ये खूबी होती है, आप लोग ये सोचते ही क्यों होंगे आपके पास पैसे नहीं है, इंडिया में इतने पैसे हैं लोगों के पास कि 7 पीढ़ी आने वाली खा सकते हैं, इतने पैसे पड़े हैं, बस शर्त एक ही है कि उनको बिजनेस में लगाना जरूरी है। तो बिजनेस में लगाने के लिए आपके पास में पैसे की कमी नहीं है, इसलिए आप ये मत कहिए कि मुझसे नहीं होगा। तीसरी बात आपके दिमाग में एक रहती है कि मेरा मूड नहीं है। अच्छा जी, आपका मूड अब काम करने में नहीं है, बिजनेस करने में नहीं है, आपका मूड फालतू घूमने में, दोस्तों के साथ गप्पे मारने में या घर वालों के साथ उलझने में तो होता है, मगर अब काम करने में आपका मूड नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? किस लिए आए हो आप इस संसार में? माँ बाप ने क्यों पढ़ाया था आपको? इतनी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन क्यों दी थी? इतनी सुंदर लड़की आपकी विवाहिता को क्यों लाए थे? वो आदर्श विवाह किया था उन्होंने आपका, और अब आप कहते हो कि मेरा तो मूड नहीं है, काम करने का मूड नहीं है। तो काम करने का मूड तो बेटे लोगों को बनाना पड़ेगा, और ये मूड ऊपर से नहीं पड़ता है, मूड आपको बनाना पड़ता है। आप चाहे चाय पी के बनाओ, चाहे कॉफी पी के बनाओ, चाहे सत्यनारायण जी के वीडियो देख कर बनाओ, एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर का कोई भी एक वीडियो देख लीजिए, मूड बनते देर नहीं लगती। और यदि ये आपको विश्वास नहीं हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जब नाश्ते की टेबल पर सुबह सुबह जाएं, आप नाश्ते की टेबल में मेरा एक वीडियो कोई भी खोल करके देख लीजिए, आपका मूड नहीं बने, मैं गारंटी देता हूं आपको, कैसे नहीं मूड बनेगा आपका? होती क्या है मूड की औकात? मूड की औकात इतनी है कि थोड़ी सी आपके मन की बात हल्की कर दी जाए, आपने जिन बातों को अपने दिमाग में दबा रखा है उनको अपने पिताजी के साथ में शेयर कर लीजिए, भाई के साथ में शेयर कर लीजिए, पत्नी के साथ में शेयर कर लीजिए, अपनी माताजी के साथ में शेयर कर लीजिए, आपका मूड बनने लग जाएगा। कोई भी बिजनेस करें आप, चाहे आप हल्के हो जाइए, क्यों दबा के रखते हैं उन बातों को जो बातें दिन भर आपके दिमाग में आपके बिजनेस की बातें हैं? आप किसी के साथ शेयर कीजिए, घर में बहुत सदस्य होते हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, मेरे साथ ये परेशानी है, ये दिक्कत है, और वो आपका मूड ठीक कर देंगे, गारंटी देता हूं मैं आपको। और विश्वास नहीं हो तो एक तरीका और बताता हूं मैं आपको। ईश्वर ने, गॉड ने दो फरिश्ते दिए हैं, और वो दो फरिश्ते हैं आपके माता और पिता। जब भी आपका मूड गड़बड़ हो, जब भी आपका बिजनेस से संबंधित मूड गड़बड़ हो, सर्विस से संबंधित मूड गड़बड़ हो, पति पत्नी की लड़ाई से मूड गड़बड़ हो, आप उनके रूम में जाइए ना 9 बजे के आसपास, रात्रि के 9 बजे के आसपास, जब वो खाना खा के लेटने की कोशिश कर रहे हैं उस समय आप जाइए उनके पगड़े, यानी जिधर वो पैर करके बैठे हैं और सो रहे हैं, लेटे हैं, वहां जाइए, धीरे धीरे उनके पैर सहलाइए, बस आपको कुछ नहीं बोलना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत ही शानदार टिप है, मैंने हजारों लोगों को दी है, लाखों लोगों ने इसको आजमाया है। आप उनके धीरे धीरे पैर सहलाइए, जब आप उनके पैर सहलाएंगे वो पूछेंगे क्या बात है बेटा, आज सोया नहीं अभी तक? कि नहीं बाबा जी, नींद नहीं आ रही थी। कारण क्या था? कारण तो कुछ नहीं बस। और धीरे धीरे ऐसे कैसे बातों में आप उनको अपनी बात बता दीजिए, वो आपको ऐसा टॉनिक देंगे, ऐसी चीज देंगे, वो बातों बातों में आपको बता देंगे, और आपका मूड ठीक होते देर ही नहीं लगी। ये मैंने एक बार नहीं, मेरे खुद के स्वयं के ऊपर आजमाया है, आप भी इसको आजमा कर देखिए, बहुत ही शानदार टिप है। अब अगली बात आपके बिजनेस करने में दिक्कत जो दे रही है वो यही दे रही है कि मेरी किस्मत खराब है। अच्छा जी, किस्मत किसकी अच्छी थी बताइए? क्या राम की किस्मत अच्छी थी? क्या कृष्ण की किस्मत अच्छी थी? क्या अल्लाह और गॉड की किस्मत अच्छी थी? तो फिर आपकी क्यों नहीं? सबकी किस्मत अच्छी होती है, गॉड हेल्प देम हु हेल्प हिमसेल्फ। और दोस्तों एक बात और बताता हूं
किस्मत होती नहीं है, बनाई जाती है। यदि आप अपनी किस्मत को मेहनत के हथौड़े से कूटेंगे ना, तो वो किस्मत आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों जरूर बन जाएगी। और जब मेहनत का हथौड़ा आप नहीं चलाएंगे तो किस्मत नहीं बनेगी दोस्तों। किस्मत इसी का नाम है, हाथ की लकीरों में बहुत कुछ नहीं होता है, मगर मेहनत हाथ में जो आप हथौड़ा ले लेते हो या मेहनत करते हो, उस हाथ से आपकी किस्मत को घड़ा जा सकता है। विश्वास नहीं हो तो जिन लोगों ने हाथ से किस्मत को घड़ी है, मैं उनका नाम बता देता हूं आपको। अजीम प्रेम जी भाई, रतन टाटा जी, जमशेद जी के पोते परपोते हो सकते हैं, मुझे पूरा याद नहीं है, मगर इनकी तीन पीढ़ी को तो मैं जानता हूं। तो फिर आपकी किस्मत क्यों नहीं घड़ी जाती? धीरू भाई अंबानी जी क्या करते थे, क्या करते थे वो पता होना चाहिए आपको। एक पेट्रोल पंप पे तेल भरा करते थे। उस आदमी ने इतनी बड़ी साम्राज्य खड़ा कर दिया कि देश में आज पहले नंबर पे रिचेस्ट पर्सन में नाम है उनका। तो किस्मत तो आपको बनानी पड़ती है दोस्तों, और सैकड़ों आदमी गिना सकता हूं। अमिताभ बच्चन जी जब पहली बार इंटरव्यू देने गए थे तो उन्होंने कहा था, हमें इतना लंबा आदमी नहीं चाहिए, हमें हीरो चाहिए। और वही हीरो आज देखिए 80 साल की उम्र में अभी भी वो काम कर रहे हैं और देश के विख्यात नाम फिल्म अभिनेता हैं। किस्मत को आपको गढ़ना पड़ेगा, किस्मत को आपको बनाना पड़ेगा, और आप में वो ताकत है जो अपनी किस्मत को बना सकते हो, दूसरा कोई नहीं बना सकता आपका। जिंदगी में ये बात ध्यान में रखो कि जो दूसरों को भरोसे चलते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते, और अपने भरोसे चलते हैं उन्होंने अपनी किस्मत को खुद गढ़ा है, आप भी गढ़ सकते हो। पांचवा आपका बहाना है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, सर बिजनेस करना चाहता हूं मगर टाइम ही नहीं मिलता, इस काम में फंसा हूं, उस काम में फंसा हूं, कब बिजनेस शुरू करूं, घर में ये है वो है, मम्मी बीमार है, पापा जी बीमार है, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। ये सब तो होंगे बेटे, जिंदगी इसी का नाम है, जिंदगी जीने का नाम नहीं है, घसीटने का नाम नहीं है, घसीटो मत जिंदगी को, जिंदगी को जियो, अच्छे से जियो। और अच्छे से जीने के लिए इन सब बातों से पार पा करके आपको समय निकालना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और एक बात कहूंगा, जो भी वीडियो आपके काम का नहीं हो, आप समझते नहीं हो कि भाई मेरे लायक ये वीडियो नहीं है, तो आगे भेज दीजिए, वीडियो को रोकिए मत। बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ, और इस उम्र में वीडियो बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, केवल और केवल मेरे अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं समझता हूँ आपके भविष्य को संवारने के लिए बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार।